हाय दोस्तों, इंडिया जो नेचर की सबसे बहुत खूबसूरत मुल्क है और टेक्नोलॉजी में भी, तो आज हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो हमारे आज़ाद मुल्क के पहले थी। हिंदुस्तान में पहली बार बिजली का प्रदर्शन 24 जुलाई 1879 को पीडब्ल्यू फ्लोरी कंपनी के द्वारा कोलकाता में हुआ था और इसी तरह दुनिया का इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होने वाला तीसरा शहर बना। 5 अगस्त 1905 शाम के 7 बज रहे थे। यार मार्केट बेंगलुरु में लोगों की भीड़ जमा होना शुरू हो गई। देखते ही देखते क्षण भर में जैसे ही लैंप ने रास्तों को रोशन कर दिया, बेंगलुरु एशिया का सबसे पहला इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रीट लाइट प्रोवाइड करने वाला पहला शहर बना। इलेक्ट्रिसिटी लैंप होने से पहले बेंगलुरु में कैरोसिन लैंप हुआ करते थे। इसके लिए 3 आदमियों को रखा गया था। पहला आदमी इसमें लगी हुई काली की साफ सफाई करता था, दूसरा आदमी कैरोसिन डालता था और तीसरा आदमी शाम होते ही इनको जलाया करता था। इंडिया का सबसे पहला पावर प्लांट सिद्रापंख हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है जो आर्याटी स्टेट में दार्जिलिंग से 12 किलोमीटर दूरी पर है। 11 फरवरी 1896 को दार्जिलिंग की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने गांव की बिजली के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनाने का डिसीजन लिया था, जिसके लिए उस जमाने के 1,00,000 रुपये की गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखी गई थी। पहले प्लांट में 65 किलो वोल्ट के 2 क्रम्पटन ब्रंटन सिंगल फेज 2.3 किलो वोल्ट 83.3 हर्ट्ज़ के अल्टरनेटर्स गंटर्स टर्बाइन से कपल किए गए थे। इंडिया का 130 किलो वैट कैपेसिटी वाला प्लांट सर सीसी स्टीवंस के द्वारा कमीशन किया गया था। इसकी टोटल कैपिटल कॉस्ट 1.2 लाख थी। पहले कुछ वर्षों के लिए दार्जिलिंग नगर पालिका को सिद्रापंख हाइड्रो पावर स्टेशन को लॉस में चलाना पड़ा क्योंकि स्टार्टिंग में कंज्यूमर कम थे, लेकिन जैसे जैसे मांग बढ़ी 1905 में एक 135 किलोवाट का सेट जोड़ा गया और उसी पावर हाउस में 1909 में तीसरा 135 किलोवाट का और एक सेट जोड़ा गया। स्टार्टिंग बेंगलुरु में केवल 1630 डोमेस्टिक कनेक्शन थे। हर महीना प्रति बल्ब 1 रुपये चार्ज था। 1947 आते आते बहुत कुछ बदल गया था। 1947 में हिंदुस्तान में टोटल 1500 गांव तक बिजली पहुंच चुकी थी। 1947 में इंडिया की इंस्टॉल कैपेसिटी लगभग 1362 मेगावाट की थी। ऐसे ही डिफरेंट वीडियोस के लिए अपने चैनल सिटी इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब करें।